आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप दंग ही रह जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि कभी इंसान की इज्जत ही उसकी दुश्मन बन जाए, उसे कामयाब ना होने दे, उसे अमीर ना बनने दे और पूरी जिंदगी गरीब रहने के लिए मजबूर कर सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं। आज लाखों करोड़ लोग गरीब हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी इज्जत, और वो इज्जत जो है ही नहीं। बस उन्होंने माइंड में मान रखा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी धन दौलत है, इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे इसके लिए पूरी ज़िंदगी गरीब रहना पड़े। और ये इज्जत आपको मिलती कहाँ से है? आपके आसपास के लोगों से ही, आपके जान पहचान के लोगों से ही। बस ये थोड़ी सी आपकी प्रशंसा क्या कर दें कि आप अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। फिर आप सोचने लग जाते हैं, अरे भाई मैं तो इज्जत वाला आदमी हूँ, मैं ऐसा काम क्यों कर सकता हूँ। बस ये सोच के इंसान काम करना बंद कर देता है। जब इंसान काम करना बंद कर देगा तो उसकी इनकम होना भी बंद हो जाएगी, और जब आपकी इनकम होना बंद हो जाएगी तो फिर आप गरीब के गरीब ही रहेंगे, यानी आप अमीर बनने की तो सोचना ही मत। ऐसा ही हमारे देश में है, पूरे देश में नहीं, मैं तो अपने घर की ही बात कर रहा हूँ। मेरे घर में भी 3-4 इज्जत वाले लोग हैं। वो अपने आप को बहुत समझते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन उनसे अपने जीवन में घंटा भी नहीं हुआ, इतनी इज्जत है। तो इज्जत इसको कहते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आप बना के डालते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती। भाई हमें शर्म इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम शर्मदार आदमी नहीं हैं, हम एक नंबर के बेशरम आदमी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे शर्म की तो कभी उम्मीद करना ही मत। बचपन से लेकर आज तक हमने एक ही कहावत सुनी है अपने जीवन में कि अगर तेरी आंखों में थोड़ी सी शर्म है तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मत। तो हमें डूब के नहीं मरना है। जिसकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हो ऐसा व्यक्ति चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, क्योंकि शर्मदार लोगों का जीवन इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि आज के समय में कोई शर्मदार है तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया बेशर्मों से भरी पड़ी है, यानी हमारे जैसे बेशर्मों से भरी पड़ी है। अगर आपको इस दुनिया के कंपटीशन में उतरना है तो शर्म को त्यागना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि जिंदगी में आपकी इज्जत जो झूठी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत के मायने ही नहीं समझते लोग कि इज्जत का मतलब क्या होता है। इज्जत उसे कहते हैं जब आप किसी जगह पर जाएं तो आपको देखकर लोग खड़े हो जाएं, तो आपकी इज्जत है। आप किसी आदमी से बोलते हैं कि आज मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, और सामने वाला व्यक्ति आपसे बिना कोई सवाल किए आपसे सीधा बोले, चिंता क्यों कर रहे हो, आपके घर ही भिजवा दूंगा, उसको कहते हैं इज्जत। आप किसी ऑफिस में जाते हो, मान के चलो आप बैंक में जाते हो, तो बैंक मैनेजर आपके सामने खड़ा हो जाए और आपसे बोलने के लिए कहे कि बैठिए सर, उसको कहते हैं इज्जत। लेकिन हमारे यहाँ का गरीब आदमी पता नहीं कौन सी इज्जत के चक्कर में रहता है। हम भी ऐसा नहीं है कि आज पैसे कमा रहे हैं संस्था के साथ जुड़ के, तो पहले भी हम अमीर थे। हम भी गांव में रहते हैं, हमारे पिताजी एक किसान हैं, और हम अपने पिताजी के मुँह से एक बात हमेशा से सुनते आए थे, हम गरीब बेशक हैं लेकिन समाज में अपनी इतनी इज्जत है, किसी से 2-4 हज़ार रुपये की कहेंगे तो मना नहीं करेगा। अब हमें समझ में आई कि हमारे पिताजी की जो इज्जत थी वो 2-4 हज़ार रुपये लायक ही थी, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई देता नहीं, क्योंकि गरीबों की इज्जत होती ही उतनी है और उसी को वो मान के बैठ जाते हैं, पता नहीं कितनी इज्जत है। तो उस इज्जत को गंवाने के चक्कर में कि मेरी इज्जत ना चली जाए, काम नहीं करते। कहीं उन्हें अच्छा काम मिलेगा, काम कोई बुरा नहीं होता। मान के चलो आज मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर मुझे टॉयलेट साफ करने का भी काम मिले तो वो काम बुरा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। वैसे भी हम अपने घर में तो सब कुछ करते ही हैं, हो सकता है आप अपने घर में टॉयलेट साफ ना करते हों, लेकिन मुझे साफ करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अपनी टॉयलेट खुद ही साफ करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं कोई कैसे साफ करे। दूसरी चीज, अपने आसपास घर के आसपास की नालियाँ भी खुद ही साफ करनी चाहिए, क्योंकि सफाई में रहना इंसान की फितरत है। अब आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई मैं तो इज्जत वाला आदमी हूँ, मैं टॉयलेट साफ़ नहीं करूँगा, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता, मैं नाली साफ़ नहीं कर सकता,
तो पता चल जाएगा कि तुम इज्जत वाले हो या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि बेवकूफ लोग ही गंदगी में रह सकते हैं, समझदार व्यक्ति अपने काम पर फोकस करता है। हमारी यह संस्था बेरोजगार लोगों को 2,000 रुपये रोज देती है, 60,000 रुपये महीने देती है, फिर भी इस संस्था को बेरोजगार लोग नहीं मिल रहे, बताइए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम संस्था का प्रचार करेंगे तो उसमें हमारी इज्जत चली जाएगी, हम समाज सेवा करेंगे उसमें हमारी इज्जत चली जाएगी, किसी गरीब आदमी को खाना खिलाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, किसी गरीब आदमी को कपड़े पहना देंगे तो उसमें हमारी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि लोगों को दूसरे लोगों की सेवा करने से उनकी इज्जत चली जाती है। इसी वजह से आज हमारे देश में लोग गरीब हैं। बहुत से लोग हमारे वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारी बड़ाई करते हैं, तो क्या वो हमें रियलिटी में इज्जत दे रहे हैं? नहीं, वो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं। अगर आपको रियलिटी में हमें इज्जत देनी है तो उस लेवल का आप हमारे साथ काम करके दिखाइए, तब तो हम माने। बहुत से लोग हैं सुबह शाम व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, तो क्या वो हमें इज्जत दे रहे हैं? नहीं, वो इज्जत नहीं दे रहे, वो झूठी इज्जत हमें दे रहे हैं। अरे आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग करते हो तो आप हमें सुबह शाम ये भी बता सकते हो कि सर आज मैंने 10,000 रुपये का काम किया, आज मैंने 15,000 रुपये कमाए। झूठी इज्जत क्यों देते हो? ना तो झूठी इज्जत किसी से लो और ना ही किसी को दो, क्योंकि झूठी इज्जत इंसान को बर्बाद कर देती है। आजकल हम लोगों को ऑनलाइन काम देने के बारे में जानकारी देते हैं, संस्था के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को अच्छी जानकारी मिले और वो घर बैठे पैसे कमाएं। और जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब हमें ऐसी जानकारी नहीं देते थे, तब तो मैं वैसी जानकारी देता था कि लौंडिया कैसे पटाएं, भाभी को कैसे पटाएं, पड़ोसिन को कैसे पटाएं, या फिर आप अकेले जा रहे कहीं कोई जुगाड़ फिट हो जाए तो उसका मजा कैसे लें, या सनी लियोनी की आज नई फिल्म कौन सी रिलीज हुई है, मुकेश अम्बानी आजकल क्या कर रहे हैं, आलिया भट्ट ने अपनी किस किस को दी, आलिया भट्ट सेक्स कैसे करती है, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैं बनाता था। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कभी भी। क्यों नहीं आई? क्योंकि भैया ये मेरा काम है, मैं काम करूँगा तो ही पैसा मिलेगा, शर्म करके बैठ जाऊँगा तो तुम मुझे पैसा देने आने वाले नहीं हो। जब मुझे ये बताने से पैसा मिल रहा है कि आलिया भट्ट कैसे मजा लेती है, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे तो आलिया भट्ट का नाम लेने से ही सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचना है कि मैं बेशरम हूँ। अब कोई ये कहे कि तुम तो बेशरम हो, उल्टी सीधे काम करते हो, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो, उल्टी सीधी जानकारी देते हो, तो हम जो जानकारी देते हैं वो हमारा काम है। अब जानकारी पब्लिक की है, अब जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसके बारे में वैसी तो जानकारी दी जाएगी, अब क्या हम जानकारी अलग से बना के लाएं? अब आप लोगों को हमने खूब अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल पर डाल रखी है। अगर कोई बंदा हमारे इस चैनल की रोजाना वीडियो देखता है और वीडियो में बताया हुआ काम केवल अपने मोबाइल से करता है और थोड़ा सा ये शर्म को साइड में रख दे तो 3-4 हज़ार रुपये रोज कमा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ ऑनलाइन अपने मोबाइल पर काम करने में लोगों को शर्म आती है। मनरेगा में 200 रुपये रोज की झाड़ी पर पढ़े लिखे लोग फावड़ा लेकर सड़कों पर मट्टी खोदते हैं, उसमें शर्म नहीं आती। जहाँ पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलती है, पढ़े लिखे लोग फॉर्म भरते हैं, फिर गांव-गांव जाके नालियाँ साफ करते हैं, शर्म नहीं आती, लेकिन ऑनलाइन अपने मोबाइल से काम करने में लोगों को शर्म आती है, क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है इसीलिए शर्म आती है। अगर यहाँ पर भी आपसे बोल दिया जाए कि आपको 50 रुपये रोज मिलेगा, 1500 रुपये महीने मिलेगा, आप ईमानदारी से काम करोगे, लेकिन जहाँ पर आपको 1500 रुपये की जगह 15,000 रुपये मिल रहा है, 1.5 लाख रुपये मिल रहा है, यहाँ शर्म आती है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो एक तो शर्म छोड़ दीजिए अगर आपको पैसा कमाना है, क्योंकि गरीब की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है। हम भी आज से पहले गरीब थे और तब हमें पता थी हमारी क्या इज्जत थी। दुनिया में कोई नहीं पूछता, आप बैंक में भी खाता खुलवाने जाओगे आपकी शक्ल को देख के मना कर देगा कि आज खाता नहीं खुलेगा, और वहीं पर एक अमीर आदमी बैंक में जाता है उससे कहेगा सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मेरा आदमी आपके घर जाकर ही खाता खोलाता। तो इज्जत इसको कहते हैं। इस बात में कोई इज्जत नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आज इज्जत सिर्फ उसकी है जिसके पास पैसा है, उसके पास इज्जत है। बॉलीवुड में आपने सनी लियोनी को देखा होगा, बड़े बड़े नेता अभिनेता हर आदमी उसके साथ आज काम कर रहा है, और ये भी पूरी दुनिया जानती है कि उससे बड़ी बेशरम लड़की इस दुनिया में दूसरी नहीं है, लेकिन आज उसकी इज्जत है क्योंकि उसके पास पैसा है।
पूरा फिल्म इंडस्ट्री आज उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी हर फिल्म वायरल होती है, इसीलिए उसकी इज्जत है। तो इंसान की इज्जत उसके काम से होती है, आसपास के लोग आपसे क्या बोल रहे हैं। हमें बहुत से लोग हमारी वीडियो के कमेंट में गाली लिखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाली, ऐसी ऐसी गालियाँ जो हमने कभी सुनी नहीं, हमें उन्हें पढ़ पढ़ के बड़े आनंद आते हैं। हम चाहें तो उनको डिलीट भी मार सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए नहीं मारते क्योंकि किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके कमेंट लिखा, अब उसको हम डिलीट मार दें तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप हमें गाली देते हो या प्रशंसा करते हो। मेरे साथ काम करना है तो मेरी इज्जत अगर आप करते हो तो मुझे ये बताओ रोज कि आज आपने इतने पैसे कमाए, तो आप मेरी इज्जत कर रहे हो। अगर आप मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड इवनिंग सर जी, सर जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों से संबोधित करके मेरी बेइज्जती मत करो, क्योंकि मुझे ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाला हर व्यक्ति कम से कम 2,000 रुपये रोज कमाए ही, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी मेरा एक दोस्त आया, मैंने उसको बोला कि आप मेरे साथ काम कर लो वीडियो बनाने, अब बोला हमें तो शर्म आती है मोबाइल के सामने बोलने में, शर्म आती है। मैंने कहा भाई शर्म की क्या बात है, इसमें पैसा मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा तो पैसे से बड़ी बड़ी शर्में भाग जाती हैं, पैसे के लिए तो बहुत सी चीज़ें अपनी शर्म छोड़ देती हैं। बोला अब ऐसा थोड़ी है, पैसे के लिए हर काम थोड़ी किया जा सकता है। मैंने क्यों नहीं किया जा सकता, अगर काम करने लायक है, वो कोई क्राइम नहीं है तो वो काम किया जा सकता है। बोला ऐसे क्या तुम कोई काम कर दोगे, मैं तुमसे गाँव का 1 करोड़ रुपए दूंगा तो क्या आप अपनी गली में नंगे होके घूम लोगे? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं जरूर घूम के दिखाऊंगा आपको। बोला और मैंने कहा घूम के ही नहीं, तू मुझे 1 करोड़ रुपए दे और मैं सबके घर जा जा के ये बता के आऊँगा कि मैं आज नंगा हो गया हूँ, मुझे देखो, और पूरी कॉलोनी में अपनी में तुम कहोगे वहाँ पर 1 करोड़ रुपए दो तो सही। ये भी एक दिमाग का खेल है। और मैंने उसको ये भी बोला कि लोग मेरी प्रशंसा भी करेंगे जब मैं नंगा होके घूमूंगा, तो एक भी व्यक्ति से तुम मुझे गाली नहीं दिलवा सकते, हर आदमी ये प्रशंसा करेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो आज आप नंगे होके इस कॉलोनी में घूम रहे हैं। ये भी एक दिमाग का खेल है। कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान के चलो कोई व्यक्ति मुझे 1 करोड़ रुपये देता है तो मैं दूसरे दिन उसमें से 2 लाख रुपए खर्च करूंगा और एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करूंगा अपने यहाँ पर, 98 करोड़ रुपए, तो 98 लाख रुपए तो बचेंगे ना। अब उस 2 लाख रुपए में क्या करूंगा, नागा बाबाओं को बुलाऊंगा और उनसे उस दिन नागा बाबा का जो प्रोग्राम रहता है, यानी मैं खुद ही नागा बाबा बन जाऊंगा। 1 करोड़ रुपए के लिए आदमी क्या नहीं बन सकता। अब मैं जब नागा बाबा बनूंगा तो पूरी कॉलोनी मुझे देखने भी आएगी, फिर सबके घर जा जा के परमिशन भी लेके आऊँगा कि भाई अब मैं नागा बाबा बन गया हूँ, अब मैं इस संसार को छोड़ रहा हूँ। अब मान के चलो मैंने संसार 4 दिन के लिए छोड़ा, आपका काम तो पूरा हो ही गया, लोगों को भी पता चल गया कि ये नंगा होके नहीं घूम रहा है, इसने नागा बाबा बन गया है। हमारे देश में कितने नागा बाबा नंगे नहीं घूमते। तो ये दिमाग का प्रयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हर किसी को हर चीज़ बराबर दी है, हर किसी को, सभी को उतना ही बड़ा दिमाग दिया है, सभी को 2-2 आँख हैं, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 कान, 1 अच्छा खासा शरीर। अब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है, तो उसका मतलब क्या है? जो लोग अपने दिमाग का सही प्रयोग करते हैं वो अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शर्म करके बैठे रहते हैं, वो बेचारे पूरी ज़िंदगी में गरीबी में काटते रहते हैं। हमारे यहाँ गरीबी का एक कारण और है, अमीर लोगों को सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलती है, जैसे कि राशन कार्ड नहीं मिलता। अगर आप अमीर बन जाएंगे तो इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, तो कुछ लोग इसीलिए अमीर नहीं बनना चाहते। बोले कहते हैं अरे अगर अमीर बन जाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा, हमें सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है गरीबी रहो, कम से कम सरकार से राशन तो मिलता है। एक इंसान अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता, जो वो सोच सकता है वो हर काम कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि कोई जादू आज होने वाला है। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में कितना रुपया कमाना चाहते हैं, उससे आप अपने क्या क्या शौक मौज पूरा करना चाहते हैं, आप एक अच्छा मकान लेना चाहते हैं कि नहीं, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं कि नहीं, आप दुनिया में कहीं घूमना फिरना चाहते हैं कि नहीं, या फिर पूरी ज़िंदगी झंड करने के लिए, वही मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। नहीं, कोई भी इंसान ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
इंसान का काम है अपनी जीवन को इतना कामयाब बनाए कि उसके मरने के बाद भी लोग याद रखें। ये इंसान का काम है। और इंसान होके भी आप अपने जीवन में ये काम नहीं कर पाए तो क्या दूसरी बार जब आपको किसी जानवर का जन्म मिलेगा तब आप अपना नाम इस दुनिया में करेंगे? हमारी जिंदगी है, हम जैसे इसको जिएंगे वैसे ही हमें इसका जो लाभ है, जो आनंद है वो आएगा। जो लोग हमें जानते हैं वो ये जानकर बहुत खुश हैं कि आज हम गरीब हैं, और जो लोग हमें नहीं जानते उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर हो। तो जो लोग आपके आसपास के हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अमीर बने, लेकिन जब आप अमीर बन जाएंगे तो वही लोग आपसे जलेंगे। आज जो लोग आपका साथ नहीं देते हैं, जब आप अमीर बन जाएंगे वो आपके आसपास ही भटकते रहेंगे, क्योंकि उनको फिर आपसे कुछ मिलने की उम्मीद होगी। तो अपने जीवन को आप खुद ही बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि कोई आदमी खुद काम करके आपको पैसा दे देगा। काम आपको ही करना पड़ेगा। हमारी ये संस्था है स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं हर आदमी हमारे साथ अगर रोजाना अपने मोबाइल से काम करता है तो कम से कम 2,000 रुपये आराम से कमा सकता है। लेकिन पता नहीं लोग क्या सोच कर बैठे हैं। जो लोग कमा रहे हैं उनका तो मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन जो लोग नहीं कमा रहे, जो रोजाना 2,000 रुपये से भी कम का काम करते हैं, तुम ऐसा क्या करते हो जो भैया पैसा नहीं कमता? इससे भी आसान काम क्या इस दुनिया में है? अरे आपको बोलने का यहाँ पैसा मिलता है, हिंदी बोलनी है। कोई मैं आपसे ये नहीं कहता कि उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो। दूसरा, आप अगर बोल नहीं सकते तो बेरोजगार लोगों को इस संस्था में नौकरी दिलवा दो तो आपको पैसा मिलेगा। और 2,000 रुपये कमाने में है क्या? 1 घंटे भी रोज काम करोगे तो 2,000 रुपये हो गया। अब इतना छोटा सा काम नहीं होता बस। तो जिन लोगों से नहीं, कुछ लोगों क्या है, हमारी संस्था में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन अभी तक उनका अकाउंट ही एक्टिवेट नहीं हुआ। अब अकाउंट एक्टिवेट करने में 800 रुपये का खर्चा आता है। तमाम सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने में 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे, पढ़ाई लिखाई में 1,00,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे, लेकिन जहाँ से आप 2,000 रुपये रोज कमा रहे हो वहाँ पर आप एक फॉर्म नहीं भर सकते। अब फॉर्म भरने का पैसा क्या आप संस्था को देते हो या हमें देते हो या इस चैनल को देते हो? भैया वो तो आपके फॉर्म भरने का खर्चा है, और वो भी आप हमारे साथ काम करते हैं तो संस्था वो आपके फॉर्म भरने का भी 800 रुपये आप ही को वापस दे देती है, तो आपका यहाँ खर्च तो कुछ होता ही नहीं है। अब आप एक दिन के लिए अपने 800 रुपये खर्च करके फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर आप करोगे क्या? दूसरे दिन आप 2,000 रुपये का काम करो, तीसरे दिन अपने 2,000 रुपये भी ले लो और जो 800 रुपये फॉर्म भरने में खर्च किए थे वो भी ले लो। जिन लोगों को काम करना हो, बाकी काम करना हो और 2,000 रुपये रोज कमाने हो, तो वो इस चैनल की एक एक करके वीडियो देखता है। अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप splcash.com वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है splcash.com का, उसको क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।